हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी अभी शाम का टाइम है आज का ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट हूँ आई थिंक अभी साढ़े पाँच या पाँच का टाइम हो रहा होगा तो यहाँ पर मम्मी जी ये रख कर गई हैं चूल्हे पे और मैं ये बना रही हूँ एक्चुअली आपने पिछले ब्लॉग में देखा हमारे घर नए मेहमान आए हैं तो वो जो भैंस है तो वो जो पहला दूध देती है उसकी इस तरीके से मिठाई बनती है और इसमें माने जाते हैं बहुत अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है एंड जिनको अस्थमा की बीमारी है उनके लिए तो ये रामबाण है तो इस तरीके से हम लोग बनाएँ अच्छा थोड़ी सी ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाई है हम लोगों ने ये ताकि यू you नो know, हम लोग क्या है इसको बना करके और पापा के जो फ्रेंड्स हैं इनके जो फ्रेंड्स हैं हम लोग सबको थोड़ा थोड़ा देते हैं ताकि सबको ही यू you नो know, मिल सके ये तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं और चूल्हे पर ना इनका बनाने का कुछ टेस्ट ही बहुत अलग होता है तो यहाँ पर मम्मी जी आ गई थी फिर मम्मी जी बनाने लगें क्योंकि मुझसे ना बन नहीं रहा था चूल्हा ही नहीं चल रहा था मुझसे तो मम्मी जी मंदिर पर हैं वो पूजा आरती करेंगी जब तक मैंने सोचा चलो मैं ड्राई फ्रूट ही चॉप कर देती हूँ तो इसी डिब्बे में हम लोग ड्राई फ्रूट वगैरह रखे रहते हैं तो बस यहाँ पर मैंने निकाल लिए कुछ ड्राई फ्रूट मतलब सभी टाइप के मैंने ड्राई फ्रूट डाले हैं और इनको ना हम लोग बड़े शौक से खाते हैं आपको पता है अगर आप विलेज से बिलोंग करते हो या आप जुड़े हुए हो अपने गाँव से तो आपको पता होगा आपकी दादी नानी ये जो भैंस गाय रखती हैं तो आपको अगर पता होगा तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में अच्छा इसको ना अच्छे से ठंडा मैंने कर लिया था पानी रख के उसके बाद यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ सभी टाइप के ड्राई फ्रूट जैसे मखाने किशमिश काजू एंड चिरौजी हो गई एंड इसमें डाला जाता है एक मेन चीज सॉल्ट का पाउडर ये जो ड्राई जिंजर पाउडर होता है वो तो वही डाला जाता है और यहाँ पर ना मम्मी जी के हाथों से बड़ा अच्छा और टेस्टी बनता है इसलिए मम्मी जी ही बनाती है इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है तो हम लोग ना एक दिन पहले ही एक रात पहले ही बना कर रख लेते हैं बस सीधा सुबह यू नो खाना वाना बनाना ही रहेगा इस की बनाने की यू नो उलझन नहीं रहेगी तो वही है रात को अगर इतना थोड़ा सा काम जो होता है वो निपटा लो तो फिर सुबह की झंझट कम हो जाती है और सुबह के काम भी हल्के हो जाते हैं तो बस अब मैं इसको ढक कर रखूँगी और उसके बाद आई हूँ मैं मंदिर में आप लोगों को लेके कर यहाँ पर ये यह जो हमारा इंटीरियर है वो मैं आपको दिखा रही थी जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे मंदिर में चल रहा है थोड़ा रिनोवेशन का काम तो ये यह देखें यहाँ पर पेंट हो गई है मूर्तियों पर बड़ी सुंदर सी हमारी संतोषी मैया और दुर्गे जी लग रही हैं तो बहुत कुछ था अभी अ, मतलब कई मूर्तियों पर हो गया है कहीं कहीं अभी करना है पेंट तो बस वही है और सच में बड़ी प्यारी एंड बड़ी संतुष्ट लग रही है हमारी माता रानी तो यहाँ पर काम चल रहा है इसलिए थोड़ा सा सामान भी आपको इधर उधर फला मिलेगा तो काम वाले भैया चले गए हैं अभी शाम के सात साढ़े सात का टाइम है तो बस मैं मंदिर साफ करने के लिए आई थी अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी और पोछा लगा दूंगी मंदिर में तो बस यहाँ पर मैं और श्रेय आए हैं लाइट है नहीं यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा अंधेरा भी लग रहा होगा अच्छा यहाँ पर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है मॉर्निंग की शुरुआत करी मैं अभी चाय से और चाय का ना एक अपना अलग ही यू नो खुशबू होती है सुबह की जो चाय होती है ना वैसी चाय चाहे आप दोपहर में पी लो शाम को पी लो रात को पी लो बट सुबह की चाय एक अपना अलग ही वो यू नो उसका महत्व होता है तो यहाँ पर मैंने बनाया था ब्रेकफास्ट में पोहे एंड ये इंदौरी पोहे टाइप मैंने बनाए हैं वती जी के फरमाइश पे वला देर है को हं मेन इट इज अ मच और डालो चला हूं तो हमें गई ना एक एक जममा मार पहला जगह चलो हम है का खा व्हाट इज तो आपको अभी थोड़ी बेचने वालों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी बैकग्राउंड में क्योंकि क्या करें वो भी बेचारे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं अपनी दाल रोटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना तो यहाँ पे मैं अपनी बेडरूम में आई हूँ मैंने बाल ना बिल्कुल भी कॉम नहीं किए थे सुबह से तो आई थाउट कि चलो बाल कॉम करती हूँ और अच्छे से बालों को यू नो टक कर लेती हूँ तो बस यहाँ पर मैंने बन बना लिया है और आई हूँ ये देखिए हालत बेडरूम की क्या हालत हो रखी है तो इसको मैं क्लीन करूँगी अच्छा मेरी पूजा जो है हो गई है बट हर रोज़ सुबह अगर मैं पूजा ही दिखाऊँगी फिर आप लोग बोलते हो मैम आप कुछ डिफरेंट ब्लॉग बनाई है एक जैसे ही ब्लॉग बनाते हो इसलिए मैंने पूजा जो है स्किप करी है अच्छा पे ठंड है मुझे ठंड लग रही थी तो फिर मैंने स्वेटर पहन लिया पहले भी मैंने शॉल शॉल ओढ़ के रखा था बट यू नो बाल बाल निकल रहा था तो फिर मैंने पे स्वेटर डाल तो इधर नाश्ता करने के बाद यहाँ पर आ गई हुए बेडरूम क्लीन करने के लिए अच्छा आपको बहुत दिनों से यही वाली बेडशीट दिख रही होगी क्योंकि मैंने दो बार हफ्ते में इसको क्लीन करके इसी को मैंने वापस से यू नो लगा दी बेडशीट क्योंकि दूसरी निकालने का मन नहीं कर रहा था तो फिर मैंने कहा चलो ये सूख गई तो इसी को वापस से लगा देती हूँ अच्छा यहाँ पे ये जो ब्लैंकेट है इसको मैं इस तरीके से डाल देती हूँ ताकि अच्छा भी लगे बेडरूम में और यू नो जब आपको ओढ़ना हो तो सीधा ऊपर का खींचो और ओढ़ लोगे आप तो ईज़ीली आप इसको यू नो ओढ़ सकते हो उसके बाद आ जाती हूँ मैं यहाँ पर किचन में आज श्रेय स्कूल नहीं गया है क्योंकि आज श्रेय के स्कूल की ये छुट्टी हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं सबकी छुट्टी है स्कूल में पता नहीं कुछ है कोई आ रहा है शायद इस वजह से बच्चों के स्कूल की यू नो छुट्टी दी गई है तो यहाँ पर मैंने शॉक्स भी पहन लिए हैं जैसे कि ठंडी है तो बस मैं अपना काम करूँगी यहाँ पर वो अपना काम करेगा मैंने बिठा दिया है इसको पहले थोड़ा सा वर्क कराऊँगी सॉरी ड्राॅइंग कराऊँगी उसके बाद फिर मैं उसको जो है वर्क कराऊँगी एकदम से आप बच्चों को पढ़ाई के लिए बिठा तो उनको भी बोरिंग फील होता है तो मैं ऐसी ड्राइंग जैसी एक्टिविटी जो है उसको बीच बीच में देती रहती हूँ और ड्राइंग बुक में उसकी लेकर रखती ही हूँ ताकि उसको दिक्कत ना हो जब भी उसका मन हो वो ड्रॉइंग कर सके और फिर बाद में यू नो पढ़ाई कर सके जैसे बच्चों की आ, क्ले हो गया एंड एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारी मार्केट में चीज़ें वो भी साथ में होना चाहिए बच्चे पूरे दिन अगर पढ़ाई 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 करेंगे तो फिर उनको यू नो बोरिंग फील होगा अच्छा यहाँ पर मैं घोल बना रही थी बड़ी की आ, मैं आ गई हूँ यहाँ पे लंच की प्रिपरेशन करने के लिए आज लंच में बनेगा पकौड़ा कड़ी क्योंकि जो हमने रात में बनाई थी ना खरवस मिठाई तो वो जो दूध बनाया था ना खरवस का तो वही है तो उसके साथ हमारे यहाँ ना मतलब ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग कड़ी चावल ही खाए जाते हैं कड़ी चावल एंड रोटी तो बस यहाँ पर मैं पकौड़े तोड़ के डाल दूँगी छोटी छोटी बढ़िया बोल लो या पकौड़े बोलो जो भी आपको बोलना हो तो बस यहाँ पर अच्छे से सिक चुके हैं और अच्छे से निकाल लूँगी एंड काफ़ी अच्छे फूल गई थी ये कड़ी में तो बस साथ ही साथ मैंने सेम कढ़ाई में कड़ी भी छोंकती है और थोड़ा सा ऑयल मैथी डाल करके फिर ये जो लस्सी होती है या छाछ बोल लो आप वो डाल करके नमक और हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे बेसन का घोल डाल दिया कड़ी बन रही है तो चावल तो बनेंगे तो यहाँ पर मैंने चावल को अच्छे से धो लिया है सोक कर लिया है पाँच दस मिनट के लिए और उसके बाद जो है चावल को प्रेशर कुकर में रख दूँगी थोड़ा सा पानी घी और नमक लगा करके और अभी लाइट भी आ तो रही है तो सोच रही हैं चलो इंडक्शन पर ही कर लेती हूँ जल्दी से हो भी जाएगा तो बस चावल मेरे चढ़ा दिए हैं और एक साइड मैंने कढ़ाई में रखा है पानी इसमें मैं डाल डालूँ सेवई क्योंकि ये जो खरवस मिठाई है उसी में ये सेवई डाल के हमारे यहाँ खाया जाता है बट वो आपकी इच्छा है आप कैसे खाना पसंद करते हो मुझे तो बिना सेवई के ही वो मिठाई पसंद है तो फिर मैं सेवई डाल के नहीं खाती बट बाकी सब जो घर में है वो खाते हैं अच्छा ये होम मेड सेवई हम लोगों ने घर पर ही बनाई थी गर्मियों में बना कर रख लेते हैं हम साल भर के लिए स्टोर करके तो सेवई बन के तैयार है उसको मैंने छलनी में पसा दिया है और यहाँ पर आ गई हूँ ये देखिए कड़ी बन के भी मेरी तैयार हो गई है स्लो फ्लेम पर रखा था मैंने कड़ी को पकौड़े डाल दिए हैं और अब रखूँगी तो फटाफट से रोटियाँ सेक लूँगी अच्छा मेरे बहुत अच्छी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि दी आप हर रोज़ वीडियो डाला करो हर रोज़ क्यों आप ब्लॉग नहीं डालते हो तो मैं उनको बताना चाहूँगी डियर मैं हर रोज़ ही वीडियोस डालती हूँ अच्छा मेरा क्या है मैं एक दिन शॉर्ट वीडियो डालती हूँ एंड एक दिन व्लॉग डालती हूँ तो आपको ऑल्टरनेट डे व्लाग मिलेंगे एंड वीडियोज़ तो बट मेरे हर रोज़ ही आते हैं शॉर्ट वीडियो में भी आपको बहुत आनंद आने वाला है क्योंकि मैं ना मिनी व्लाग एज अ मिनी व्लाग यू नो उनको डालती हूँ अच्छा यहाँ पर कपड़े वगैरह मैंने लगा दिए थे जब तक मैंने रोटी बनाई तो कपड़े हो गए थे तो वो मैं आंगन में डालकर आई हूँ एंड ये जो स्वेटर जैसे आ, कपड़े होते हैं ना इनको मैं हाथ से ही धोती हूँ तो इनको मैं आंगन में ले आई हूँ तो इनको मैंने ड्राई नहीं किए बाकी इनका जो मटेरियल है ना फिर ख़राब हो जाता है तो यहाँ पे बस मैं उल्टे करके सारे कपड़े डाल दूंगी बहुत ज़्यादा नहीं है बस ये कुछ दो तीन ही स्वेटर्स हैं एंड प्लोवर हैं अच्छा यहाँ पर आपको लकड़ी का ढेर दिख रहा होगा हम लोग ना सर्दियों में चूल्हा वगैरह जलाते हैं तो फिर हम लोग इस तरीके से सारी लकड़ी इकट्ठी करके रख लेते हैं ताकि सर्दियों में यू नो प्रॉब्लम ना हो तो अब जाऊँगी नीचे और लगाऊँगी लंच तो आप सब लोग भी आइए आज के लंच में है चावल कड़ी एंड एक हर बस मिठाई एंड दो चपाती एंड कड़ी के साथ मुझे हरी मिर्ची पसंद है सो so, तो आइए हम सब मिलके लंच करते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग बाय